ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। यह समय माघ मास के शुक्ल पक्ष का समय है और तुला राशि वालों के लिए बेहद खास और शानदार है। चलिए शुरुआत करते हैं 3 तारीख सोमवार से। 3 तारीख सोमवार को नवमी तिथि रहेगी, कृतिका नक्षत्र होगा, चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर करेंगे, सूर्य का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। तुला राशि वालों, इस दिन आपके लाभ में वृद्धि होगी, अपने कारोबार में धन लाभ होगा, डेली इनकम बढ़ते हुए दिखाई देगी, कार्य की अधिकता भी रहेगी, भागदौड़ भी बनी रहेगी, मेहनत अधिक आपको करनी पड़ सकती है। सोमवार के दिन नए लोगों से मिलना जुलना होगा, बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध इस दिन कायम हो सकते हैं। यह समय मुकदमेबाजी में, लड़ाई झगड़े में आपकी जीत हो सकती है। तुला राशि वालों, सरकारी कामों में सफलता का योग बनेगा, नौकरी करने वालों को लाभ होगा, नए काम मिलने की उम्मीद है, कार्यस्थल पर माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन काम की अधिकता बनी रहेगी, अधिक मेहनत के चलते स्वभाव में क्रोध बढ़ सकता है। बोलचाल में सावधानी सोमवार को रखनी चाहिए, अपनों का ख्याल रखें, अपनों की भावनाओं की कद्र करें, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे ऐसा प्रयास आपको सोमवार को करना होगा। सोमवार के दिन नए काम की शुरुआत की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप लकी रहेंगे। इस दिन आपको बड़े लोगों की सलाह लेकर चलना चाहिए, समझदार लोगों की राय लेकर चलें और जल्दबाजी में अकेले फैसला ना लें। लव लाइफ वालों के लिए समय बहुत बेहतरीन होगा, विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बात करें 4 तारीख मंगलवार की, इस दिन दशमी तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र होगा, चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर करेंगे, चंद्रमा का ही नक्षत्र होगा। यह दिन आपके मान सम्मान का है, यह दिन आपको बड़ी सफलता अपने कारोबार में दिलवा सकता है। करियर के लिहाज से समय शुभ है, जॉब में बदलाव चाहेंगे तो आप सफल होंगे, नई जॉब का प्रयास करने वालों को सफलता हाथ लगेगी। यह समय एग्जाम इंटरव्यू क्लियर होंगे, दोस्तों का साथ मिलेगा, अपने साथ काम करने वालों का साथ मिलेगा, सीनियर्स भी आपकी बात को मानकर चलेंगे, काम की बहुत ज्यादा अधिकता रह सकती है, कार्यस्थल पर आप बिजी रहने वाले हैं, भागदौड़ बढ़ेगी, कुछ मामलों में इस दिन इमोशनल और भावुक होने से बचना होगा, प्रैक्टिकल होकर चलें और छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लें। पारिवारिक जिम्मेवारियां इस दिन पड़ सकती हैं, घर में नया सामान आ सकता है, जमीन जायदाद के मामलों में फायदा मिलेगा, वाहन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ खर्च इस दिन हो सकते हैं। इस दिन आपको सब्र और धैर्य से हर काम को निपटाना चाहिए, हर काम को ठंडे रहकर अंजाम दें और जल्दबाजी करने से बचें। दोस्तों, बात करें 5 तारीख बुधवार की, इस दिन एकादशी तिथि रहेगी, मृग शीर्षा नक्षत्र होगा, दिन में चंद्रमा वृषभ राशि में, दोपहर बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल का नक्षत्र रहेगा। यह समय आपके कारोबार को एक नई गति देगा, पुराने अधूरे काम बनते हुए दिखाई देंगे, पुराने उधार की वापसी होगी, फंसा हुआ धन भी आप तक पहुंचेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, बिजनेस के लिए समय अच्छा है, नए लोगों से संबंध बनाने के लिए समय उचित होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी और इस समय में व्यापार को फैलाने के लिए आपके मित्र भी आपके काम आएंगे। स्वभाव में तेजी इस दिन बनी रहेगी, पुराने अधूरे काम इस दिन बनेंगे, हर काम को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया जाएगा, परिवार के लोग भी आपकी मदद करेंगे। इस दिन घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, खर्च कम होंगे, दिन का समय अच्छा है और शाम के समय में सितारा अधिक बुलंद होगा। बात करें 6 तारीख गुरुवार की, इस दिन द्वादशी तिथि रहेगी, आद्रा नक्षत्र होगा, चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर करेंगे, राहु का नक्षत्र रहेगा, अचानक से बड़ी मात्रा में धन लाभ इस दिन हो सकता है, शेयर्स में सट्टे लॉटरी में प्रॉफिट हो सकता है, आपकी किस्मत खुल सकती है, म्यूचुअल फंड में आपको फायदा होगा, किसी भी प्रकार से इस दिन आपको बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद बनी हुई है, रुका हुआ धन निकलवाने में आप कामयाब हो जाएंगे,
मित्रों की मदद आपको प्राप्त होगी, मुश्किल काम आपके लिए आसान बनेंगे, सोच आपकी सकारात्मक होगी, मन में बहुत सी नई इच्छाएं भी उत्पन्न होंगी, आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी रहेंगे और दूसरों से अधिक अपेक्षा भी रखेंगे। इस समय में भाई बहन से वाद विवाद करने से बचें। दोस्तों, यह समय यात्राएं आपकी हो सकती है, विदेशी कामों से लाभ होगा, पूजा पाठ धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग है, विद्यार्थी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे, जॉब करने वालों को मान सम्मान मिलेगा और नए काम मिलने की पूरी उम्मीद है। आपसी रिश्तों में प्यार से बातचीत करनी चाहिए, बोलचाल आपका ना बिगड़े इस बात का ख्याल इस दिन रखना होगा। बात करें 7 तारीख शुक्रवार की, इस दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्र होगा, दिन में चंद्रमा मिथुन राशि में, शाम के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय बृहस्पति का नक्षत्र रहने वाला है, मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई देगा, सफल यात्राओं का योग बनेगा। शुक्रवार के दिन पुराने उधार की वापसी होगी और कर्ज समाप्त हो जाएंगे। नए काम के लिए धन की व्यवस्था होगी, लड़ाई झगड़े में मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी, भाई बहनों से रिश्तों में मिठास आएगी, मित्रों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, विदेश से लाभ की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, भागदौड़ इस दिन बढ़ सकती है, लेकिन सफलता हर काम में मिलने वाली है। बात करें 8 तारीख शनिवार की, इस दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी, पुष्य नक्षत्र होगा, चंद्रमा कर्क राशि से गोचर करेंगे, शनि का नक्षत्र रहेगा। तुला राशि वालों, जमीन जायदाद में फायदा होगा, भूमि और मकान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी, घर में रेनोवेशन हो सकती है और घर में नया सामान आ सकता है, परिवार में सुख शांति इस समय में दिखी जाएगी, पारिवारिक जिम्मेवारियों को आप बखूबी निभाएंगे, मेहनत करने में भी पीछे नहीं रहेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, सोच सकारात्मक होगी, पॉजिटिव सोच रहेगी, हर काम को पूरा करने में आप सक्षम होंगे और किस्मत का साथ भी मिलेगा। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं शनिवार को दूर होंगी, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, पुत्र सुख की प्राप्ति भी हो सकती है, अचानक से धन लाभ सट्टे लॉटरी में हो सकता है, किस्मत चमक सकती है, दिन भाग्यशाली रहेगा। बात करें 9 तारीख रविवार की, इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, आश्लेषा नक्षत्र होगा, चंद्रमा कर्क राशि से गोचर करेंगे, बुध का नक्षत्र रहने वाला है, लंबी दूरी की यात्राएं इस दिन हो सकती है, घर वालों के साथ कहीं दूर जाना पड़ सकता है, विदेशी भूमि से लाभ की प्राप्ति होगी, जन्म स्थान से दूर रहने वालों को फायदा मिलेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग मार्केटिंग के काम से जुड़े लोगों को लाभ होगा, नया निवेश करने की कोई प्लानिंग इस दिन हो सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा, मन शांत रहेगा और मन में प्रसन्नता दिखाई देगी, मित्रों का साथ बहुत पसंद आएगा और अपने मनपसंद लोगों के साथ घूमने फिरने मौज मस्ती और शॉपिंग में भी यह समय बीतने वाला है, समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और इस समय में पूजा पाठ में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार है, सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, सप्ताह की शुरुआत में कुछ भागदौड़ बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।